हेलो फ्रेंड्स, कोशिश करना आखिर तक देख लो, तभी कुछ समझ में आएगा। आओ क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंड्स, हमें दे रखा है एक स्क्वायर लेमिना है, मींस चारों साइड बराबर है। एक स्क्वायर लेमिना है, इसकी साइड है 10 सेंटीमीटर और इसका मास है 2 kg। इस पर फ्रेंड्स एक टॉर्क अप्लाइड है जिसका मैग्नीट्यूड है 0.1 न्यूटन मीटर। हमसे पूछा है फ्रेंड्स, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 5 सेकेंड्स। क्वेश्चन सिंपल लग रहा है फ्रेंड्स, लेकिन कॉन्सेप्ट हैं इसमें दो। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें नहीं पता कि इसका, हमें ये तो पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ कहीं सेंटर में होगा, लेकिन हमें फ्रेंड्स ये नहीं पता कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। हमें पता है कि क्या होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। लेकिन फ्रेंड्स, स्क्वायर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका डायगोनल के अलॉन्ग हम नहीं निकाल पाएंगे ईजिली। तो फ्रेंड्स कैसे करें इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के लिए, क्या करें? फ्रेंड्स, हम मान लेते हैं कि ये जो स्क्वायर लेमिना है, ये दो ट्राइंगल से मिलकर के बना है। तो फ्रेंड्स, अगर एक ट्राइंगल को पकड़े और यहाँ रखें तो इसकी कुछ हाइट होगी h, इसकी साइड हमें पता है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। और फ्रेंड्स, ये पूरा जो एंगल है ये 90 है, तो ये हाफ एंगल कितना हो जाएगा? 45। तो ये कितना हो गया? 45। तो अगर h को देखें कि h कितना होगा, तो h हो जाएगा 10 sin 45। तो h की वैल्यू क्या हो गई? 10√2 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, जो ट्राइंगल होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बेस होता है mh square by 6। अब इसमें अगर वैल्यूज पुट करें तो मास है इसका 1 kg। टोटल स्क्वायर लेमिना का मास था 2 kg, इस ट्रायंगल का यानी कि हाफ लेमिना का मास हो जाएगा 1 kg। तो ये मास 1 ले लिया इंटू h, h कितना है? 10√2 इंटू 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर में था, का स्क्वायर कर लिया इंटू 1/6। तो फ्रेंड्स, ये कितना आया? 1/1200। फ्रेंड्स, अगर ये 1/1200 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ट्राइंगल अबाउट बेस, तो फ्रेंड्स अगर हम बोले कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्क्वायर लेमिना कितना होगा, तो फ्रेंड्स वो हो जाएगा i ट्राइंगल 1 + i ट्राइंगल 2। क्योंकि फ्रेंड्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है एडिटिव नेचर का। एडिटिव का मतलब सारे पार्टिकल का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो रोटेशनल एक्सिस के अलॉन्ग, उसके बाद उनको ऐड कर दो तो कंप्लीट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है एडिटिव नेचर का होता है। तो दोनों ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग निकाल लिया, उसके बाद दोनों को ऐड कर दिया, तो फ्रेंड्स दोनों ट्रायंगल आइडेंटिकल है, तो ये 1/1200 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो ये कितना हो गया? 1/600। यही होगा इस स्क्वायर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल एज रोटेशनल एक्सिस। तो फ्रेंड्स, हमारे पास अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। हमें पता है फ्रेंड्स टाउ इज इक्वल टू होता है आई अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? टाउ बाई आई। तो फ्रेंड्स टाउ कितना है? 0.1 न्यूटन मीटर हमें दे रखा है, और
जो आई है वो कितना आया है, 1/600, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 60। फ्रेंड्स जब ये टॉर्क अप्लाई किया गया तो इसकी इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी थी, ज़ीरो। 5 सेकंड बाद इसकी एंगुलर स्पीड कितनी होगी फ्रेंड्स, इसको निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के जैसे है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की तरह। तो फ्रेंड्स हमने वही यूज़ किया है, ओमेगा एट 5 सेकंड इक्वल टू ओमेगा इनिशियल दैट इज ज़ीरो प्लस अल्फा दैट इज 60 इनटू टी दैट इज 5 सेकंड। तो फ्रेंड्स ओमेगा 5 सेकंड पे कितना आ गया, 300 रेडियन पर सेकंड। अब फ्रेंड्स हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है, आई की वैल्यू है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं किस में, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में। तो ये हो गया हाफ, ये हो गया आई, ये हो गया ओमेगा और ये हो गया ओमेगा। इसको फ्रेंड्स कैलकुलेट करेंगे तो 300 से चला जाएगा, ये 2 बचेगा और ये 2 कितना हो जाएगा, 4, और 300/4 कितना हो जाएगा, 75 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 5 सेकंड पे इसकी, 75 जूल। तो फ्रेंड्स यही था इस क्वेश्चन में, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।